हाय, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों से बात करूंगा सपने के बारे में और सपने से पैदा होने वाली आत्मशक्ति के बारे में। जेबीडी बिजनेस में आप सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों के पास आ जाती है, जिसमें आप उलझ जाते हैं। कुछ लोगों की प्रॉब्लम यह होती है कि सर, मेरे पास लिस्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, सर, मेरे पास पैसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, सर, मुझे लोग जानते नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे घर वाले विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सर, मैं लोगों के सामने बात करने में डरता हूँ। अनेकों प्रकार की समस्याओं को हम गिनाते हैं। क्यों गिनाते हैं, सोचिए। सिर्फ इसलिए गिनाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में हमारा सपना नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में किसी के अंदर शक्ति नहीं होती, शक्ति सिर्फ सपने में होती है। जिस व्यक्ति के दिमाग में और उसकी आंख में हर समय उसका सपना होता है, उसके अंदर अपने आप शक्ति आती है। कहते हैं, जिंदगी जीने का पैदा तो करो कोई कारण, आपका दिमाग ही बताएगा हर समस्या का निवारण। जब लक्ष्य पर 24 घंटे होंगी आपकी निगाहें, पहाड़ों में भी खोज लेंगे आप राहें। जिनकी जिंदगी में कोई कारण नहीं होता, उन्हीं की जिंदगी में कभी समस्याओं का निवारण नहीं होता। विधि का ये विधान है, हर समस्या का समाधान है। ईश्वर ने प्याज बनाई है, जिसे खाने के बाद मुंह से बदबू आती है, लेकिन भगवान ने लेकिन ईश्वर ने इलायची भी तो बनाई है, जिसे खाने के बाद मुंह में खुशबू आ जाती है। ईश्वर ने जहर बनाया, लेकिन जड़ी बूटी भी तो बनाई है। दोस्तों, विधि का ये विधान है, हर समस्या का समाधान है, लेकिन समाधान तभी निकलेगा जब आपका सपना बड़ा हो। आप मुझे बताइए, आज हम सब जिस उजाले में रहते हैं रात को, उसको बनाने वाले कितने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए थे। स्कूल ने तो उन्हें ये कहकर निकाल दिया था कि वो ना समझ हैं, वो पढ़ लिख नहीं सकते, मेंटल हैं। शक्ति ने एडिसन को स्वप्न बल्ब बनाने की प्रेरणा दी, सपने ने। और कहां कहां से उन्होंने खोज के निकाला कि क्या क्या मैं खोजूं जिससे बल्ब बन जाए, उनके सपने ने। वो भी ये कहकर इस तर्क से अपने को संतुष्ट कर सकते थे कि मुझे नहीं पता बल्ब कैसे बनेगा। राइट बंधु भी इस तर्क से अपने को संतुष्ट कर सकते थे कि मुझे नहीं पता हवाई जहाज कैसे बनेगा। दशरथ मांझी भी इस शब्द से अपने को संतुष्ट कर सकते थे कि इतना बड़ा पहाड़ मैं अकेले कैसे तोड़ पाऊंगा। हमारे देश के क्रांतिकारी भी अपने आप को इस बात से संतुष्ट कर सकते थे कि हम अंग्रेजों से कैसे भारत को आजादी दिला पाएंगे। और कभी अंग्रेज भी अपने आप को इस बात से संतुष्ट कर सकते थे कि हम भारत को कैसे गुलाम बना लेंगे। ये तो सोच के ऊपर है दोस्तों। आपकी सोच, आपका सपना ही आपके अंदर शक्ति देता है। करने वाले तो बहुत कुछ कर जाते हैं। जब अमिताभ जी मुंबई गए, उन्हें ये थोड़ी पता था कि मैं फिल्मों में एक दिन महानायक होऊंगा। जब सचिन जी 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने गए और उनको गेंद लगी, उनके चेहरे से खून बहने लगा, उन्हें थोड़ी पता था कि एक दिन मैं क्रिकेट का भगवान बनूंगा। दोस्तों, अगर आपके पास सपना है कि मुझे करोड़पति बनना है और उसका एक जरिया मुझे जेएमबीडी मिला है, तो आपका दिमाग कभी आपको समस्या नहीं गिनाएगा। समस्या तो मैरी कॉम के भी सामने आई। पिताजी ने कहा, या तो घर चुनो और या तो बॉक्सिंग छोड़ो। समस्या तो महेंद्र सिंह धोनी के भी सामने आई। पिताजी ने कहा कि तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी, नौकरी छोड़ के तुम बहुत गलत कर रहे हो। पिताजी नाराज हो गए।
रोकने से कौन रुकता है दोस्तों? रोकने से तो सिर्फ वो रुकता है जो रुकना चाहता है। आग कहाँ लगेगी? जहां पेट्रोल हो। पानी में कोई आग लगा के दिखा दे। आपके पास लिस्ट नहीं है, ये मुश्किल थोड़ी है, ये तो एक चुनौती है। जैसे बल्ब नहीं बना, ये मुश्किल नहीं थी, ये चुनौती थी। मोहम्मद गोरी 16 बार हारे, ये मुश्किल थोड़ी था कि वो जीत नहीं पा रहे, ये एक चुनौती था, वो कैसे जीते। आपका दिमाग अगर मुश्किल शब्द को इस्तेमाल कर रहा है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, लेकिन अगर आपका दिमाग चुनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। और आपका दिमाग चुनौती शब्द का इस्तेमाल तभी करेगा दोस्तों जब आपका सपना हर समय आपके दिमाग और आपकी आंखों में हो। इस दुनिया में शुरुआत ही होती है शक्ति पैदा होने की हमारे सपने से। आपके पास लिस्ट नहीं है, ये चुनौती है, लेकिन 1 करोड़ कमाना है, ये आपकी मंजिल है। और जब उस मंजिल के लिए आप भागोगे तो बल्ब बनाने से ज्यादा मुश्किल तो नहीं है लिस्ट बनाना। हवाई जहाज बनाने से ज्यादा मुश्किल तो नहीं है लिस्ट बनाना। हवाई जहाज बनाने से ज्यादा मुश्किल तो नहीं है लोगों के सामने बोलना। हवाई जहाज बनाने से ज्यादा मुश्किल तो नहीं है दशरथ मांझी से के पहाड़ तोड़ने से ज्यादा मुश्किल नहीं है आपका डायमंड बनना। लेकिन आप कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने, कितने साल अपने सपने को दे रहे हैं, ये निर्णय लेता है। कभी ये मत बताओ मेरे जीवन में बहुत मुश्किलें हैं। हम हमेशा अपने मुश्किलों के बताओ मेरा सपना बहुत बड़ा है। दोस्तों इतना ही कहूंगा, जिंदगी ये मानो जन्म आपको ईश्वर ने बहुत बड़े उपहार के रूप में दिया है। एक सपना बनाओ, एक सपना ही आपको अमर कर सकता है। बल्ब के रूप में एक सपना एडिसन को अमर कर गया। हवाई जहाज के रूप में एक सपना राइट बंधु को अमर कर गया। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ये एक डायलॉग दशरथ मांझी को अमर कर गया। तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा, ये एक सोच, ये एक सपना महात्मा गांधी को अमर कर गया। मुंबई में ऑटो चला लूंगा लेकिन मुंबई छोड़ के वापस नहीं आऊंगा, ये एक प्रतिज्ञा, ये एक सपना अमिताभ बच्चन को महानायक बना गया। यही आपसे कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आपका सपना छोटा है, उसे बड़ा कीजिए, लिस्ट आ जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स आपको रोक रहे हैं और आप रुक जा रहे हैं तो आपका सपना छोटा है, आपको अपने सपने पर विश्वास नहीं है। आपको ये लग रहा है कि हाँ कहीं हो सकता है मैं असफल ना हो जाऊं और मेरे पेरेंट्स सही ना हो जाएं। धोनी को ये विश्वास था मैं क्रिकेट में सफल होऊंगा और जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा मेरे पिताजी मेरे ऊपर खुश हो जाएंगे। मैरी कॉम को ये विश्वास था कि मैं एक दिन टेनिस में कामयाब हो जाऊंगी और जिस दिन मैं कामयाब हुई मेरे पिताजी मुझ पर खुश हो जाएंगे। एडिसन को यह विश्वास था मैं बल्ब बना लूंगा, इसलिए उसको वो सारे यंत्र मिलते गए जिससे बल्ब बन गया। राइट बंधु को यह विश्वास था मैं हवाई जहाज बना लूंगा, इसलिए उन्हें सब कुछ मिलता गया जिससे हवाई जहाज बन जाए। कोलंबस को यह विश्वास था कि समुंदर के बाद भी कोई दुनिया होगी, इसलिए उन्हें अमेरिका मिल गई और इसीलिए आज ये सारे लोग अमर हैं। मेरे भाई, या तो आपके जीवन में मुश्किलें बड़ी होंगी या तो आपके जीवन में आपका सपना बड़ा होगा, दो में से एक ही बड़ा हो सकता है। अब ये आपके ऊपर है आप किसको बड़ा बनाना चाहते हैं। अगर सपना बड़ा होगा तो आपको रास्ता मिल जाएगा, अगर मुश्किल बड़ी होगी तो सपना कभी पूरा नहीं होगा। अपने आप को झकझोरें, अपने सपने को इतना बड़ा बना दें कि जीवन की सारी मुश्किलें चुनौती बन जाएं, सारी मुश्किलें छोटी